अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे 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 से व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू यासिर किचन एट। मैं हूँ बीहा यासिर और आज तो मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी के साथ मैं आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बकरे की चांपें या मटन चॉप्स आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इजी है और ये रेसिपी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताई थी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और इतनी मज़े की और इतनी ईजी है ये रेसिपी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर आप मटन बनाना भी इतना आसान होगा और ये इतने ईजीली ये गल जाएगा। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना ताकि इंशाल्लाह जब ये आप बनाएं तो उसमें कोई गड़बड़ ना हो और ये बिल्कुल परफेक्ट बने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली हैं जी बकरे की चांपें, 1 किलो ले लें। यहाँ पे 9 से 10 पीसेस इसमें आएंगे। आप देख सकते हैं सारी अच्छी तरह से मैंने वॉश कर ली हैं और अब हम इनको क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे। पैन में मैंने सारी चांपें डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में वो टेस्ट नहीं आता जो स्लो कुकिंग में आता है। ठीक है, तो मैंने चांपे डाल दी। उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया 4 से 5 गिलास और पानी ऐड करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन के जवे। 3 से 4 अदद लहसुन के जवे मैंने इसमें ऐड किए हैं और 1 अदद मैंने इस मीडियम साइज़ का प्याज इसमें ऐड किया है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। ठीक है, 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया और उसको मैं तेज़ आंच पे रखूंगी। जब बॉयल आ जाएगा तो उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। 1.5 घंटे के लिए हम रखेंगे ताकि स्लोली हमारी यखनी निकलती जाए और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाए। अब हम रेडी करेंगे मैरिनेशन। उसके लिए हमें दही चाहिए 3/4 कप या फिर 5 टेबल स्पून आप कह सकते हैं। नमक हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, पहले भी नमक डाला था इसलिए। लाल मिर्च का पाउडर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हमें चाहिए 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा हमने 1 टीस्पून लेना है। इसको अच्छी तरह हाथों से आपने क्रश कर लेना है, इससे ज़रा ज़बरदस्त सा जो है फ्लेवर आता है, ज़्यादा अच्छा इन्हांस हो जाता है ज़ीरे का फ्लेवर। उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, अच्छे से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और पहले भी हमने इसमें लहसुन डाला था इसलिए भी हम थोड़ा यूज़ करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको विस्कर से मिक्स कर लेना। उसके बाद देख सकते हैं 1.5 घंटा हो चुका है और हमारी चांपे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका हुआ है, पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि पानी कम है तो आप उसमें पानी और ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छे से ये गल जाएँ। ठीक है, ताकि हमारी जो यखनी का जो फ्लेवर है वो सारा जो है वो चांपों में चला जाए, इसलिए पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं चांपें बिल्कुल गल चुकी हैं और अब इसमें अंदर जो है अपने मैरिनेशन रेडी किया वो उसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसको आपने 1 से 2 घंटे के लिए कम अज़ कम रख देना है, रेस्ट देना है ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह मैरिनेशन का हमारी चांपों में चला जाए। ठीक है, तो इसको मैंने रेस्ट दिया है 1 घंटे के बाद मैंने इसको रेस्ट किया। उसके बाद मैंने इसको लेख लिया, आप देखिए बहुत अच्छे से जो है मैरिनेट हो चुका है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल लिया मैंने, इसको शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। फ्लेम मेरा नीचे हाई है, आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पीसेज ऐड कर दिए हैं, चांपे मैं इसमें रख रही हूँ और अब मैंने थोड़ा सा इसका फ्लेम जो है मीडियम कर लिया है, थोड़ा सा इसको फ्लिप कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि चांपे थोड़ी सी नरम नरम बने तो आप इसको थोड़ा फ्राई करें 5 से 6 मिनट, और अगर आप थोड़ी चाहते हैं कि क्रिस्पी बने तो आप इसको 8 से 9 मिनट फ्राई कर सकते हैं ताकि ये थोड़ी सी इसकी ऊपर वाली जो लेयर होती है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। तो हमारे घर में थोड़ा सा नरम पसंद की जाती है इसलिए मैं ज़्यादा देर फ्राई नहीं करूँगी। ये देख सकते हैं आप चांपे आप बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी हैं, लाइट लाइट सी ब्राउन सी हुई हैं और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मज़ीद इसको फ्राई कर सकते हैं, पर मैं इसी तरह ही इनको रेडी करूँगी। ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट लगे हैं कि बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो दोनों सबको मैंने डिश आउट कर लिया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी जो चांपें हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब जो रिमेनिंग हमारी बची हुई वो भी मैं इसी ऑयल में ऐड करूँगी और उसको भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो 5 से 6 मिनट में मैक्सिमम लगेंगे कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि चांपे हमारी ऑलरेडी गली हुई हैं, इनको हमने गलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट उसको मैरिनेशन को ठहराना है और बड़ा अच्छा सा इसको फ्लेवर देना है, इसलिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको फ्राई ना करें तो आप इस पॉइंट पर इसको स्टीम भी कर सकते हैं। स्टीम करने से ये होगा कि इसमें ऑयल का कॉन्टेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ये देख सकते हैं चांपे हमारी बिल्कुल रेडी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं इसका कलर और उसकी ओवरऑल लुक, इसका टेक्सचर टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त हमारी चांपे रेडी हो चुकी हैं मटन चॉप्स, और इसका टेस्ट बहुत 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 ज़बरदस्त है। और आपने रेसिपी से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये और भी जल्दी बनेंगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको एज इट इज़ बनाएं, क्योंकि स्लो कुकिंग में फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है।
तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और न्यू आने वाले व्यूअर्स अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल है, ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे दुआ में शामिल रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।